So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming once again you in Akash Time Education. Dear students, इस वीडियो में हम लोग बात करना चाहेंगे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम में बहुत सारे लोग मतलब मैंने देखा एक लॉट ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट्स जो है वो सब लोग गलती कर बैठे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गलती, मतलब मजेदार गलती आप लोग कर चुके हो। इतना टाइम भाई तुमको दिया गया पर तुम लोग गलती कर बैठे। अब इसके ऊपर आप लोग मुझको रिक्वेस्ट करें कि भैया कुछ करो कुछ करो, तो मैं पूरा दिन, आज जो पूरा दिन गया, मैं पूरा जुगत लगाया यहाँ से जाके वहाँ से जाके, किसी किसी कॉलेज में कॉल करके कि भाई ऐसे ऐसे गलतियाँ हैं, क्या क्या कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स। तो आप सब लोगों के लिए कुछ कुछ रिजल्ट्स मैंने, मतलब कुछ कुछ चीज़ें मैंने जानी जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना, बिकॉज आकाश टाइम एजुकेशन पे ऐसे ही WBG रिलेटेड सब टाइप्स की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, पहले शुरुआत करते हैं माइनर प्रॉब्लम से, मतलब समझ सकते हो कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपने माता पिता और किसी का भी नाम, खुद का नाम कोई स्पेलिंग, माता पिता का नाम का स्पेलिंग गलत कर बैठे, उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कोर्ट से जाके एक एफिडेविट होती है, कोर्ट एफिडेविट, उसको आप लोग कर सकते हो, ले सकते हो। अगर एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो जो कॉलेज में आपका मतलब नाम आएगा फर्स्ट राउंड के बाद, आप उस कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर पे, वेबसाइट में जाके कॉलेज में डायरेक्टली कॉल कर लेना। अगर आप कॉलेज के साथ अच्छी तरीके से बातचीत कर लो, वो कॉलेज हर टाइम ये चीज़ आपको कंसीडर कर देती है, कोई इशू नहीं रहेगा। अच्छा, शायद आपका एड्रेस वगैरह में कोई गलती रहेगा, सेम प्रॉब्लम, कॉलेज में कॉल करना, माइनर प्रॉब्लम है, कॉलेज इस सब चीज़ों को कंसीडर कर देगी, कोई इशू नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम कि सर हमने टेंथ का डिटेल्स भरने में कुछ गलती कर दी है। अब टेंथ का डिटेल्स बहुत सारे कॉलेज पे इम्पोर्टेंट होती है, बहुत सारे कॉलेज पे इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जो सारे कॉलेजेस पे टेंथ का जो मतलब मार्क्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परसेंटेज वगैरह, उस कॉलेज पे आपको कोई चिंता करने के बाद नहीं। आप कौन कॉलेज भी इम्पोर्टेंट है कौन कॉलेज भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेपरेटली देखना पड़ेगा। जादवपुर के लिए एक एलिजिबिलिटी है, कोलकाता के लिए एक है, सब यूनिवर्सिटीज के लिए, मैकाउट के लिए एक है, तो आपको वो एलिजिबिलिटी देख लेना पड़ेगा। वो आपको WBJ के जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन थी उस पे देखने को मिलेगा, और कॉलेज में आप लोग कॉल करके जिस पे आपको जहाँ पे आपका अलॉटमेंट होगा वहाँ पे कॉल करके करके भी आप लोग जान सकते हो। तो जो जहाँ पे टेंथ का मार्क्स उतना रिक्वायरमेंट उतना एम्फेसाइज नहीं किया जाता जिस कॉलेज पे, तो टेंथ का मार्क्स अगर आपने गलत डाल भी दिया इशू नहीं रहेगा। अब बात करते हैं ट्वेल्थ के मार्क्स के बारे में कि भैया मैंने तो ट्वेल्थ का मार्क्स गलत डाल दिया, बहुत अच्छा काम किया, और क्या कर सकते हो, ट्वेल्थ का मार्क्स ही गलत डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखिए WBJ बोर्ड तो आपको और हेल्प नहीं करेगी, ये मैं 100% जान चुका हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, समझ लो कि आप लोगों का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कॉलेज का रहती है, समझ लो मैं भर्ती हुआ हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी में, मैं एक एग्जाम्पल दूँ, समझ लो मैं भर्ती हुआ हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी में, एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमको 60% मिनिमम चाहिए मैथ्स पे एलिजिबिलिटी क्रॉस करने के लिए, जो एडमिशन की एलिजिबिलिटी रहती है ना वो देख लेना, वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे है, WBJ 2021 की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे दिया हुआ है, एज वेल एज कॉलेज पे कॉल करके भी आप जान सकते हो। तो वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको आपको पहले जान लेना पड़ेगा, ठीक है, 60 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आप अगर समझ लो कि आप 90 मार्क्स स्कोर किए हो मैथ्स पे, एंड आपने जब लिखे हो मतलब जब वहां पे पुट किया हो 80 पुट कर दिया, ठीक है, आप 90 आपका स्कोर आया था, आप 80 गलत से पुट कर दिया, तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे ज्यादा अगर आपने पुट किया है गलत होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है समझ सकते हो ना, उससे अगर ज्यादा पुट किया तो आपका एडमिशन पे प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉलेज के साथ बातचीत करने के बाद कॉलेज जरूर आपको मतलब उस पर हेल्प कर देगी, कॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने 90 मतलब आपका स्कोर है, आपने पुट किया 40 और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 60, तो एट दैट टाइम आपका जो है वो कट जाएगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है जो आपने काउंसलिंग के लिए किया है वो कैंसिल हो जाएगा। बट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे ज्यादा अगर आपने स्कोर रखा है, मतलब जो पुट किया है उससे ज्यादा किया है, एट दैट टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उस टाइम पे आपको कॉलेज के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा जहां पे आपका अलॉटमेंट हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। अच्छा, और क्या कुछ चीज मैं भूल रहा हूँ, अच्छा ये चीज तो मैंने बोल दी। अच्छा हाँ, और एक चीज मैंने आज जो चीज जाना कि WBJ बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स है वो लोग भी टेंशन कर रहे थे कि भैया मैंने कितने मतलब मेरा ऑप्टेन मार्क्स कितना मैं रखूँ, मतलब मेरा मैक्सिमम मार्क्स। तो जो लोग 500 रखे हो उन लोगों का कोई गलती नहीं कि 500 में से बेस्ट ऑफ 4
फाइव में से 500 में से बेस्ट ऑफ फोर वहाँ पे आप लोगों ने अगर पुट किया है तो कोई इशू नहीं, मतलब आप लोग अगर जो हाईएस्ट मार्क्स है वहाँ पे 500 पुट किए हो तो कोई इशू नहीं, 500 और आपने जो 400 समथिंग स्कोर किया है वो तो पुट किए ही हो, और 500 आपका टोटल मार्क्स है वो आपने पुट किया है तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा, वो मैं आज मतलब बात करके जान चुका हूँ, तो नो इशू ऑन दैट थिंग। तो यही सब आपके प्रॉब्लम्स थे, कुछ मतलब वाइटल प्रॉब्लम्स, आप लोगों ने बहुत सारे गलती कर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों का इसके चलते कैंसिल भी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, बट मैंने जितना दूर जाना उसके बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव था तो अभी जाके सब फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आकाश एजुकेशन के साथ जुड़े रहो, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको इस चैनल पे मैं ट्राई करूंगा आपको देने का, कि हर टाइम पे आपके साथ रहने का, आपके पास रहने का ट्राई करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू to all.